अंजना सिंह को हुआ एड्स। जी हाँ, आपने सही सुना, इस भयंकर बीमारी से जूझ रही हैं अंजना सिंह। लेकिन क्या आपने सही सुना, या यू कह ले कि इस खबर में किसी के करियर को बर्बाद करने की कितनी ताकत है। कुछ ऐसा ही किया गया था अंजना सिंह के उभरते करियर के दौरान भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस द्वारा। जी हाँ, आज हम उस स्कैंडल का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि भोजपुरी के कुछ टॉप एक्ट्रेसेस ने ऐसी अफवाह फैलाई कि अंजना सिंह को एड्स हो गया है, उसके साथ काम न किया जाए। जब अंजना सिंह ने 2012 में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मात्र 2 साल में 25 फिल्में साइन की और 25 फिल्मों में से उनकी ज्यादातर फिल्में हिट ही हुई थी। आपको बता दें कि इन्हीं 25 फिल्मों में उन्होंने इतने दमदार रोल निभाए कि उन्हें भोजपुरी की हॉटकेक नाम से भी नवाजा गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप तरक्की करते हैं तो जलने वाले जलते हैं और आपके सामने बिछा देते हैं एक बहुत बड़ा जाल जिसे आपको पार करना होता है। वैसे कहा जाता है कि कामयाबी ऐसे ही किसी को नहीं मिलती। अंजना ने बहुत संघर्ष किया, सीरियल से अपनी शुरुआत जरूर की, भोजपुरी इंडस्ट्री की आज वो टॉप एक्ट्रेसेस में से गिनी जाती है। अंजना ने यश कुमार से शादी की और आज उनका एक खुशहाल परिवार है। लेकिन क्या आपको पता है कि करियर के शुरुआती दिनों में अंजना को बहुत ही डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। ये तो महज एक इंसिडेंस अंजना ने सुनाया था अपनी लाइफ का, जब भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस अंजना ने उनका नाम मेंशन नहीं किया जिन्होंने अंजना के खिलाफ ये अफवाह फैला दी थी कि उस वक्त भोजपुरी के सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बड़े एक्टरों में कि अंजना सिंह को एड्स हो गया है और उसके साथ कोई काम न करे। लेकिन अपने खिलाफ बुने गए इस जाल को अंजना ने तोड़ा ही नहीं बल्कि कामयाबी का पंचम भी लहराया। इसे कहते हैं ना, दमदार औरतों वाली बात। भाई, अपने आप को प्रूव भी किया और सफलता की वो सीढ़ी चढ़ी जो आज भोजपुरी की हर नई हीरोइन चढ़ना चाहती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।